आदेश जय श्री महाकाल। मैं भैरवी शिव केशी आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आपको सपनों में अक्सर कोई सुंदर महिला दिखाई देती है? क्या आपको स्वप्न में कोई आकर्षक पुरुष दिखाई देता है? क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध स्वप्न में कोई आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है? यदि इन सब प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए। बहुत से लोग स्वप्न में देखते हैं एक खूबसूरत महिला अथवा एक आकर्षक पुरुष, हूबहू आपकी कल्पनाओं का साकार स्वरूप लिए हुए, जिसे देखते ही आपका मन अनायास ही उसकी तरफ खिंचता चला जाता है और डूब जाता है उन असीम कल्पनाओं में, जिसकी गहराई और जिसका परिणाम स्वप्न देखने वाले को खुद को नहीं पता होता। क्योंकि उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तब व्यक्ति को पता लगता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो हकीकत नहीं बल्कि स्वप्न था। सबसे पहले इसके पीछे का कारण समझिए। कारण है आकर्षण। क्योंकि आकर्षण हर व्यक्ति को खींचता है, विशेषतया उस चीज को जिसके प्रति आप सर्वाधिक आकर्षित होते हैं, जिसके विषय में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन हर वो आकर्षण जो आपको खींच रहा है वो आपके लिए उपयोगी हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि अधिकांश तौर पर आकर्षण केवल व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए होता है, आपसे आपकी बेशकीमती चीज़ें छीनने के लिए होता है, आपसे राज उगलवाने के लिए होता है और आपको पतन की तरफ अग्रसर करने के लिए होता है। सामान्य व्यक्तियों की बौद्धिकता का दायरा बहुत सीमित है, इसलिए उन्हें भ्रमित करना बहुत आसान होता है। उनसे अधिक बुद्धि वाले गलत लोग तक उनको भ्रमित कर देते हैं। फिर ये तो अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो भी स्वप्न जगत की, तो इनसे भला व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे बच पाएगा? ये सभी जो हैं वो स्वप्न जगत की अलग अलग नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके मस्तिष्क में घुसकर आपके आकर्षण को बिंदु बनाकर आपको आपके ही दायरों में कैद करने का प्रयास करती हैं और उसके माध्यम से अपने आप को पोषित करती हैं। वो ऊर्जाएं वहाँ यानी स्वप्न जगत में स्वयं को पोषित करती हैं, लेकिन उनका वो पोषण आपको इस जगत में भारी नुकसान पहुंचाता है। यानी आकर्षण तो वही है लेकिन एक उससे लाभ कमा रहा है और दूसरा नुकसान। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि यहाँ आप लाभ नहीं बल्कि नुकसान वाली श्रेणी में हैं, और नुकसान कैसा भी हो सिर्फ तकलीफ देता है। इसलिए कोशिश करिए कि यदि स्वप्न में कोई भी महिला अथवा कोई पुरुष जो आपको अनायास आकर्षित करने, आपसे किसी भी प्रकार का रिलेशन बनाने का प्रयास करे तो उससे बचने का पूर्ण प्रयास करें, अन्यथा आपका आकर्षण भौतिक जगत में तो आपको नुकसान देता ही देता है, स्वप्न जगत में भी आपको सिर्फ नुकसान ही देगा। मेरी सारी वीडियोस में आपको छोटे छोटे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे जो आपको भौतिक, आध्यात्मिक और स्वप्न तीनों जगत से जोड़ते हैं, और वहाँ की बारीकियों को समझकर आपके नुकसान को सीमित और लाभ को असीमित स्तर तक ले जा सकते हैं, बशर्ते वो आपको समझ में आ जाएं और आप उन्हें स्वयं में घटित कर पाएं। अब आप उन्हें कितना ढूंढ पाते हैं ये आपके ऊपर है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आदेश जय श्री महाकाल।